हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल माधव की दुनिया में। आज मैं बना रही हूँ वेज पराठा। इसके लिए चाहिए हमें एक कटोरी आटा है गेहूँ का, और आधी कटोरी बेसन, ये आलू क्रस्ट बीन्स हैं, और ये शिमला मिर्च है, हरी मिर्च है इसके अंदर। अब हम इनको मिक्सी में डाल के ना पीसेंगे सबको, दही डाल के। बाउल में डालेंगे आटा गेहूँ का, और फिर डालेंगे इसके अंदर बेसन जो हमने मिक्सी में पीस के रखी है, शिमला मिर्च, बीन्स, हरी मिर्च, इनको हम इसमें दही के साथ मिला देंगे। अब इसको मिक्स करेंगे और इसमें डालेंगे ये आलू कच्चे कच्चे आलू कद्दूकस करके रखे हुए थे, इनको इसमें अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। धीरे धीरे इसमें हल्का हल्का पानी डालेंगे। बनेगा। अब इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। ये जल्दी से बन जाता है पराठा। इसको ऐसे अच्छे से फेंटेंगे। अभी इसमें मसाला डाल के फिर से थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे इसमें। इसके अंदर डालेंगे नमक, नमक अपने स्वाद अनुसार डालें। इसके बाद डालेंगे हम लाल मिर्च पाउडर, डालेंगे हम इसके अंदर अजवाइन क्रस करके, थोड़ी सी डालेंगे इसमें हल्दी, और इसमें सूखा धनिया, थोड़ी सी कसूरी मेथी। अब इसको अच्छे से सारी सब्जियां इसमें मिक्स हो गई हैं, बहुत अच्छा पराठा बनता है इसका। थोड़ा थोड़ा इसके अंदर पानी डालेंगे, ज्यादा नहीं। पराठे के लिए तैयार है, और अब हम इसको थोड़े से 5-10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। अब हम गैस चलाएंगे, इसके ऊपर रखेंगे तवा। अब हमने ये जो ढक के रखा हुआ था, अब इसको देखते हैं। अब इसको थोड़ा सा फिर अच्छे से चलाएंगे। इसको भी ऐसे तवे के ऊपर डाल दें, इसको अच्छे से, इसको मोटा ही रखना है, इसको पतला नहीं करना पराठा। थोड़ा मोटा मोटा पराठा बनेगा। इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, ढक के छोड़ देंगे। लाइट इसकी, गैस इसकी सिम करनी है।
अब ये देखो हमने 5 मिनट के लिए ढक के रखा था, इसको देखते हैं इसकी हालत क्या है। ये देखो हमारा पराठा बनके तैयार है। ऊपर की साइड इसको लगाएंगे थोड़ा घी। अब इसको हम ऐसे पलटेंगे, आराम से निकल आएगा ये हमारा पराठा। अब इस धीरे धीरे इसको हम अपने से प्रेस करेंगे। देखो हमारा पराठा बनके तैयार है। बच्चों के लंच के लिए जब कोई सामान ना हो तो फटाफट तैयार होता है ये। इसे बनाएं, बच्चों को खिलाएं, अपने ठाकुर जी का भोग लगाएं, प्रसाद बनाएं, तैयार है। अब अपने कान्हा जी के लिए, माधव के लिए ये दही के साथ इसका भोग लगाएंगे। अब हम ऐसे दूसरा भी डाल देते हैं, धीरे से इसको प्रेस करें अपने आप जितना फैल सके, थोड़ा थोड़ा ऐसे। अब इसको फिर से ढक देंगे। ये देखो कितना अच्छा नाश्ता है, पराठा बहुत टेस्टी बनता है, बच्चों के लिए हेल्थी भी है और अच्छा भी है। इसको बनाएं और कान्हा जी को दही के साथ